दीपिका एक एक करके रणवीर को बताने लगी कि कौन सी बोतल में फेस क्रीम है और कौन सी बोतल में मॉइस्चराइजर। दीपिका से जैसा जैसा करने को कह रही थी वो वैसा वैसा कर रहा था। फिर रणवीर ने कहा कि अब तो ब्रेकफास्ट का टाइम खत्म हो गया यार, इसे चलो चलकर लंच करते हैं। उसने दीपिका का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और कहा कि वैसे तुम लंच कहाँ पर करना चाहोगी, यहाँ बेडरूम में या फिर गार्डन में? पर दीपिका मन ही मन सोच रही थी कि रणवीर ने उसकी बातों का जवाब अभी तक क्यों नहीं दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच दो तरह की बातें एक साथ चल रही है। पता नहीं क्यों रणवीर ने मुझसे पूछा था कि मुझे उसे सब बता देना चाहिए, और जब मैंने उसे बताने की कोशिश की तो वो मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा है। वो समझती थी कि रणवीर को इस बात का दुख है कि दीपिका कभी भी अपनी जिंदगी के बारे में उसे नहीं बताती है। वो उस दिन को याद करने लगी जब पहली बार रणवीर उसके घर में रहने के लिए आया था। वो हमेशा दीपिका के जवाबों का इंतजार करता था। उसने अभी तक उसे सिर्फ प्यार ही दिया है। ये बात अलग है कि उसने बताया था कि वो उसे अपना बनाकर ही छोड़ेगा, पर उसने कभी भी दीपिका के साथ किसी भी चीज को लेकर जबरदस्ती नहीं की। दीपिका बार बार उसे हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराती थी, पर रणवीर ने कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया। वो बस प्यार से ही बातें करता था। यहाँ तक कि जब दीपिका ने फ्यूरियस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया तो मित्रा ग्रुप्स के इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर को भारी नुकसान पहुंचा था, और उस बात के लिए भी रणवीर ने हल्का सा भी थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं किया। यहाँ तक कि उसने दीपिका की सुरक्षा के लिए अपने सैटेलाइट लगा दिए जो 24 घंटे इस बात की निगरानी रखते कि उसे कहीं कुछ हो ना जाए। उसके लिए बहुत सारी चीजें करता था, पर वो कभी भी उसके मुंह पर यह सब बताता नहीं था कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया या मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ, कभी नहीं। कभी कभी उन दोनों को देखकर लगता था कि जैसे रणवीर एक तरफा प्यार करता है। अभी दीपिका उसकी आंखों में देखकर कहना चाहती थी कि वो उसके प्यार को समझती है, पर उसकी आंखों पर पट्टी लगी हुई थी, इसलिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। जब बहुत देर तक उसने कोई जवाब नहीं दिया तो रणवीर उसके पास चला गया और उसका हाथ पकड़ना चाहता था, पर दीपिका ने उसे रोक दिया। ये देखकर रणवीर चौंक गया और कहा कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? दीपिका टेबल पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी और वहां पर रखा सारा मेकअप का सामान नीचे फर्श पर गिर रहा था। वो टेबल का ड्रॉअर खोलकर बार बार कुछ ढूंढ रही थी। रणवीर ने उसे रोकते हुए कहा कि दीपिका क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम क्या ढूंढने की कोशिश कर रही हो? अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो तुम्हें फिर से कहीं चोट लग जाएगी। बस मुझे बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए और मैं तुम्हारे लिए वो चीज ढूंढ के ले आऊंगा दीपिका। अभी दीपिका ने टेबल के ड्रॉअर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। फर्स्ट एड बॉक्स को देखते ही रणवीर घबरा गया कि कहीं दीपिका को चोट तो नहीं लग गई। ऊपर से नीचे तक उसके बदन को देखने लगा कि आखिर उसे चोट तो नहीं आई कहीं। जब उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया तो उसने पूछा कि क्या हुआ दीपिका, तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या? दीपिका ने कहा, हाँ मुझे बहुत जोर से चोट लगी है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इसे तुम रूई में थोड़ा सा दवाई डालकर मुझे दे दो प्लीज। रणवीर ने बिना कुछ सोचे दवाई रूई के ऊपर लगा दी और कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे बताओ तुम्हें कहाँ चोट लगी है, तुम्हारे घाव के ऊपर मैं दवाई लगा देता हूँ दीपिका। दीपिका ने कहा, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे रूई दे दो। दीपिका ने कहा कि अब बिना मतलब की बहस मत करो, जितना कह रही हूँ उतना करो। रणवीर ने कहा कि ठीक है जो तुम्हारी मर्जी करो। रणवीर ने जैसे ही रूई दीपिका के हाथों में दी रणवीर के कंधों पर दवाई लगाने लगी। असल में कल रात को जब उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था तो उसने रणवीर के गर्दन को कसकर पकड़ा हुआ था और उसके नाखून से रणवीर की गर्दन में खरोचे आ गई थी। दवाई लगाते हुए दीपिका ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरा दर्द का कारण तुम हो, इसलिए जब तुम मुझे कहते हो कि मुझे अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए तो तुम्हें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। तुम अपने शरीर का ख्याल क्यों नहीं रखते रणवीर? अगर तुम कोई बात किसी को बताते हो तो तुम्हें भी उन बातों पर अमल करना चाहिए ना। तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो उसका मतलब तुम्हारा शरीर भी तो मेरा हुआ ना, तो तुम्हें भी अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए ना रणवीर। दीपिका अपनी ही बातों पर शर्माने लग गई। उसने मन ही मन कहा कि मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ, उसका शरीर मेरा शरीर, शायद मुझे उसे बोलना नहीं चाहिए था। इधर रणवीर सोच रहा था कि अचानक दीपिका को हो क्या गया।
दीपिका को अपनी कही हुई बातों को सोचकर शर्म आने लगी थी। उसने कहा कि नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इसलिए हम दोनों का फर्ज बनता है ना कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। इसलिए अगर तुम्हारी बॉडी को कुछ होता है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे शरीर का ख्याल रखूं। रणबीर, आई थिंक तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, पर मेरी बात का गलत मतलब मत लेना रणबीर। ये कहकर दीपिका मुस्कुराने लगी। दीपिका की बातें सुनकर रणबीर को मन ही मन खुशी हो रही थी। ये पहली बार था जब दीपिका प्यार दिखाने की कोशिश कर रही थी। रणबीर ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरी बॉडी पर तुम्हारा हक है और तुम्हारी पे मेरा। रणबीर का बस इतना ही कहना था कि दीपिका ने उसके होठों को पकड़ लिया, जैसे उसे चुप कराने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, इसलिए उसे अंदाजा नहीं हुआ और उसने रणबीर के होठों पर धीर से थप्पड़ जड़ दिया। रणबीर ने कहा कि दीपिका, तो तुमने अभी भी मुझे थप्पड़ मारा? दीपिका ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, अगर तुम इस तरह की बातें करोगे और अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हें थप्पड़ ही मिलेगा ना, और क्या मिलेगा। ये सुनकर रणबीर हंसने लगा और कहा कि अब देखना, जब अगली बार तुम गलती करोगी ना, तुम्हें भी इसी तरीके की सजा मिलेगी। तो मुझसे मत कहना कि मैं कुछ ज्यादा ही कर रहा हूँ। दीपिका ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराए जा रही थी। तो रणबीर दीपिका का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले गया। दोनों ने वहां पर दोपहर का खाना खाया और वहीं पर एक सोफे पर आराम करने लगे। रणबीर सोफे पर बैठा हुआ था तो वहीं दीपिका उसकी गोद में अपना सिर रख के लेटी थी। तभी दीपिका ने कहा कि रणबीर। रणबीर ने उसे रोकते हुए कहा कि नहीं, मेरा नाम रणबीर नहीं है, तुम्हें मुझे रणबीर मेरी जान कह के पुकारना चाहिए। पर रणबीर ने कहा, अब इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे मेरे नाम से बुलाती हो, पर कभी कभी उसमें कुछ और जोड़ने में भी कोई बुराई नहीं है, लाइक तुम चाहो तो मुझे डियर, स्वीट हार्ट, बेबी, डार्लिंग, हनी, और ऐसे तुम मुझे हस्बैंड कहकर भी बुला सकती हो। बस इतना बताना चाहता हूँ कि किसी भी बात का बुरा नहीं लगेगा, मुझे जो चाहो बुला सकती हो। दीपिका ने जैसे ही सुना कि रणबीर ने कहा कि तुम मुझे हस्बैंड बुला सकती हो, वो शर्मा गई। उस बात के बारे में सोचकर मन ही मन मुस्कुराने लगी कि रणबीर भी चाहता है कि मैं उसको उसके नाम या किसी और नाम से बुलाऊं। थोड़ी देर बाद उसने कहा, रणबीर। रणबीर ने कहा कि एक बार और कहो। रणबीर, जोर से कहो, मुझे सुनाई नहीं दिया। रणबीर, 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 रणबीर। ये सुनकर रणबीर ने दीपिका के माथे पर एक किस कर लिया और धीरे से उसके कानों में कुछ कहा, हाँ हाँ हाँ, तुम्हें ना मुझे इसी तरह से बुलाना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनता हूँ ना, मेरे दिल की धड़कनें जोर से धड़कने लगती हैं और ऐसे लगता है जैसे पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। दीपिका अगले एक मिनट तक बस उसी नाम को बोलती रही, रणबीर, 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 रणबीर। और उसने कहा कि अब तो तुम खुश हो ना रणबीर। रणबीर ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ और इस बात के लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने दीपिका के होठों पर किस कर लिया। रणबीर ने पूछा कि अच्छा, वो तुम कुछ कहने की कोशिश कर रही थी ना, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम किस बात के बारे में बात कर रही थी। दीपिका रणबीर के गालों को सहलाने लगी और कहा कि क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो रणबीर। इतना कहकर दीपिका सुबह की बात याद करने लगी जब रणबीर ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। रणबीर ने कहा, नहीं बेबी, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा कैसे हो सकता हूँ, मुझे तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। रणबीर लगातार अपने मन में यही सोच रहा था कि उसे उस दवाई का इस्तेमाल दीपिका की आंख पर नहीं करना चाहिए था। उसकी एक गलती की वजह से उसकी आंखों पर दो दिन के लिए पट्टी लग गई। रणबीर ने फिर कहा, अगर मुझे तुम्हारी आंखों के बारे में हल्का सा भी पता होता ना, तो कल रात मैं ऐसा कुछ नहीं करता, पर तुमने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। तुम हमेशा मुझसे हर बात छुपाती हो यार। डॉक्टर अंकल की बात अभी तक मेरे कानों में गूंज रही कि अगर दवाई ज्यादा स्ट्रांग होती तो तुम्हारी आंखें।
हमेशा के लिए चली जाती। इसलिए मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज आगे से मुझसे कुछ भी मत छुपाना और ना ही कुछ छुपाने की कोशिश करना। मैंने तुम्हें कितनी बार भरोसा दिलाया कि मुझे हर बात बता सकती हो। तुम ऐसा मत सोचो कि कुछ जानकर मुझे चोट पहुंचेगी। मुझे तो चोट तब पहुंचती है जब मैं कुछ नहीं जानूंगा। कल रात जैसे कोई बड़ी गलती हो जाती तो? इसलिए आज के बाद अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया ना, तो मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि मुझे मेरे ऊपर गुस्सा आएगा कि शायद मैं उतना अच्छा इंसान नहीं हूँ कि तुम मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बता सको। रणबीर की ये बातें दीपिका के दिल को चोट पहुंचा रही थी। उसने उसकी बात का काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, दूसरी तरफ रणबीर चुपचाप इंतजार कर रहा था कि दीपिका कुछ तो कहे। अब सब कुछ उसी के ऊपर है, वो बताना चाहती है या फिर नहीं। दीपिका बार बार गहरी सांसें लेकर अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि कल रात मैं तुम्हें हॉस्पिटल के नाम के बारे में इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि मैं अपने इलाज के लिए किसी भी हॉस्पिटल में नहीं गई थी। मेरा इलाज जहाँ पर हुआ था उसका कोई नाम नहीं है। प्लीज मेरी बातों को ट्रस्ट करो। दीपिका की बात सुनकर रणबीर चौंक गया और कहा कि तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम्हें सही तरीके से हॉस्पिटल में इलाज नहीं हुआ था? किसी हॉस्पिटल में नहीं थी, इसका मतलब तुम्हारा ट्रीटमेंट? ये सुनकर दीपिका हंसने लगी और कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा इलाज दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर ने किया था। रणबीर ने कहा कि तो फिर क्या हुआ? कनेक्शन है तुझसे हुआ ये जानू।